बांग्लादेश और अफगानिस्तान टीम साल 1986 और साल 2014 से लेकर एशिया कप में हिस्सा ले रही हैं। दोनों ही टीमें भले ही अब तक एशिया कप ना जीत पाई हों, लेकिन इस टूर्नामेंट में उसने बड़ी बड़ी टीमों को हार का सदमा दिया है। बांग्लादेश ने एशिया कप के वनडे फॉर्मेट में भारत और पाकिस्तान जैसी टीम को हराया है, तो वहीं अफगानिस्तान टीम भी बांग्लादेश और श्रीलंका को अब तक पटकनी दे चुकी है। बात करें साल 2012 की, तो एशिया कप में बांग्लादेश ने मीरपुर के मैदान पर भारत को 5 विकेट से हरा दिया था। इस मैच में भारतीय टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 290 रनों का लक्ष्य दिया। जवाब में बांग्लादेश ने 49.2 ओवर में इस टारगेट को चेस कर दिखाया। तो वहीं पाकिस्तान को साल 2018 के एशिया कप में बांग्लादेश ने हरा दिया था। उस मुकाबला में बांग्लादेश की टीम पहले बल्लेबाजी करते हुए 239 रनों पर ऑल आउट हुई। दूसरी बैटिंग करने आए पाकिस्तान की टीम लक्ष्य को हासिल करने में नाकाम रही और सिर्फ 200 रन ही बना पाई। अब बात करते हैं अफगानिस्तान की। अफगानिस्तान ने पहली बार साल 2014 के एशिया कप में भाग लिया था। उस डेब्यू सीजन में उसने बांग्लादेश को हरा दिया था। मैच में अफगान टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 6 विकेट के नुकसान पर 254 रन बनाए। वहीं टारगेट का पीछा करने उतरी बांग्लादेश की टीम 222 रनों पर ही ऑल आउट हो गई। इसके बाद एशिया कप 2018 में अफगानिस्तान ने बांग्लादेश को फिर हरा दिया। उस मुकाबले में अफगानिस्तान टीम ने 256 रनों का लक्ष्य दिया था, जिसके जवाब में विरोधी टीम 119 रन पर ही सिमट गई। बांग्लादेश ने एशिया कप के वनडे फॉर्मेट में 2 बार साल 2012 और 2018 में फाइनल खेला है, लेकिन अफगानिस्तान की टीम एक बार भी फाइनल में एंट्री नहीं कर पाई। बांग्लादेश ने एशिया कप के वनडे फॉर्मेट में 43 मैच खेले हैं, जिसमें उसने 7 मैचों में जीत दर्ज की है। तो वहीं दूसरी ओर अफगानिस्तान ने 9 मुकाबले खेले हैं, जिसमें उसे 3 मैचों में जीत हासिल हुई। अफगानिस्तान टीम ने वनडे क्रिकेट में 149 मैच खेले हैं, जिसमें उसने 73 मैच जीते हैं, तो वहीं 71 मुकाबलों में उसे हार का सामना करना पड़ा, जबकि 1 मैच टाई भी रहा, तो वहीं 4 गेम बेनतीजा रहे। बात करें बांग्लादेश टीम के वनडे फॉर्मेट की, तो उन्होंने 415 मैच खेले हैं। इस दौरान बांग्लादेश को 152 मैचों में जीत मिली, जबकि 254 मुकाबलों में उसे हार का स्वाद चखना पड़ा। एशिया कप 2023 का आगाज 30 अगस्त से होने वाला है। इस टूर्नामेंट में सभी की नज़रें भारत और पाकिस्तान पर बनी हुई है और हर कोई इन दोनों टीमों को फेवरेट भी बता रहा है, मगर बांग्लादेश और अफगानिस्तान की टीमें भी एशिया कप में एक बड़ा उलटफेर कर सकती हैं। फिलहाल इस अपडेट में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा और कॉमेंट्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा।